हेलो, सलाम वालेकुम वालेकुम जी। मैडम कनीस फातिमा, मैं गुलबर्गा हेडलाइंस से वसीम बात कर रहा हूँ। मैडम जी, जी बोलिए जी। मैडम, यही कांग्रेस पार्टी में जो टिकट कंफर्म हुए हैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन के, इसमें सीनियर जो लीडर्स हैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो पहले पिछली बार भी जीत चुके हैं, डिप्टी मेयर हैं, मेयर हैं, चार बार पाँच बार जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीते हैं, ऐसे लोगों को जो है ना टिकट काट दी गई है, नए कैंडिडेट्स को वहाँ पर टिकट दी गई है, ये इल्ज़ाम आप पर लगाया जा रहा है कि आप टिकट की जो है ना खरीदो फरोख्त की जा रही है, कहाँ तक सही है मैडम ये बात? 1% भी सही नहीं है, कैसा हो सकता है ऐसा जी। कांग्रेस के जो लीडर्स बैठे थे, जो ऑब्जर्वर्स आए थे ना, ये लोग बैठ के ये डिसाइड करे, और उन लोगों को ऊपर से भी उन लोगों को डायरेक्शन था कि नए चेहरे आना चाहिए, और जो चार पांच बार खैर के इलेक्शन जीत चुके हैं, पावर एंजॉय कर चुके हैं, वो लोग को छोड़ के अब नए लोगों को चेहरों को आप चांस दीजिए उनके। नहीं, वो लोगों का ये बोलना है, वो लोगों का ये बोलना है कि आखिर के दो दिन तक उनको आपकी तरफ से प्रॉमिस किया गया कि उन्हों की टिकट मिलेगी। प्रॉमिस किसी को भी नहीं की मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ बोली सबको। हाँ, किसी एक जो सिंगल था कहीं कहीं पे भी उनका वहाँ पे भी जो भी कोई भी नहीं था, सिर्फ एक ही आदमी का था, उनको भी मैं ये बोली कि सब बैठ के डिसाइड करेंगे हम लोग बोलते। जी जी जी। नहीं, प्रियंक खड़गे साहब का भी एक स्टेटमेंट था ना कि जो लॉयल हैं कांग्रेस पार्टी से, जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं को टिकट देना, जो लोग नए नए जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं वैसे लोगों को टिकट ना देना, इस तरह का स्टेटमेंट उनकी तरफ से भी आया था मैडम। जी जी, आया था वो स्टेटमेंट, लेकिन क्या है ये नए चेहरों को लाने का, हमारे डी के शिव कुमार साहब का भी वो था कि नए चेहरे लेके आना, तकरीबन 50% तो कम अज कम, और यंग एज वालों को लेना जो 60 प्लस हो गए हैं, वो लोगों को। अभी हमने एक सीनियर कांग्रेस के लीडर का इंटरव्यू लिया है, उसमें उन्होंने नाराजगी जता रहे थे कि वो बोल रहे थे कि इस बार जो टिकट दी गई है, पहले पिछली बार जब कमर उस्लाम टिकट देते थे उसमें काफी फर्क नजर आ रहा है, इस बार कांग्रेस पार्टी के काफी कैंडिडेट हार जाएंगे, कांग्रेस के खुद लीडरों का ये स्टेटमेंट आ रहा है मैडम। कौन से लीडर बोलेंगे बात, सबकी मर्जी से ये हुए तो है ये पूरे, मैं अकेली थोड़ी थी। फिर कांग्रेस से छोड़कर जेडीएस एमआईएम में शामिल होने की वजह क्या उन लोगों की? नहीं, जाहिर बात है नहीं मिला टिकट तो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे लोग। हाँ, वार्ड नंबर 16 के ताल्लुक से क्या कहेंगे मैडम? वहाँ के लोगों का हमने स्टेटमेंट लिया, वो लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझकर वहाँ के वार्ड को जो है ना लिंगायत रिजर्व किया गया है मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए। आप बीजेपी की हुकूमत है, हम कर नहीं कर सकते वो चीज, हम कैसे कर सकते, और हर बार वो आता है उसमें रूटीन में एक उसमें मुस्लिम उसमें लिंगायत कैंडिडेट को डालते, इससे पहले भीम रेड्डी थे आपको मालूम है, भीम रेड्डी जीत के आए थे, तो हमारा कुछ भी नहीं है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी कांग्रेस के लीडर्स का स्टेटमेंट है मैडम, खुद कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी ही वहाँ पर जो है ना लिंगायत रिजर्व के लिए मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने के लिए। जी, क्या कहेंगे मैडम इस बार का जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन काफी सालों के बाद आया है, आप भी पहली बार एमएलए बनने के बाद ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन आप देख रही हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं वोटर से आप? नहीं, मैं इंशाल्लाह वोटर्स तो पूरे हमारे फेवर में है, जो भी कांग्रेस का टिकट लेंगे उन्हें जीतने की इंशाल्लाह उम्मीद है, और हम लोग मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह ताला कांग्रेस के सीट्स लेके आएंगे। सीनियर कांग्रेस के लीडर्स जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान नजर आ रहा है? नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम खुद भी चाह रहे थे ये यंग लोगों को लेना है ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए अब जाना तो नहीं चाहिए था, मैं एक दिन पहले बुला के हम लोग समझाए थे उन लोगों को जी, तो सब मिल के जुड़ के काम कीजिए, आएगा कुछ ना कुछ उन लोगों को भी पावर दिया जाएगा, यहाँ इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएंगी नेक्स्ट, उसके बावजूद भी अगर गए हैं वो लोग तो गलत बात है, ये नहीं जाना चाहिए था उन लोगों को, हम सबको बुला के समझाए थे हम लोग बैठ के। जी जी, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे मैडम वोटर्स को आप गुलबर्गा शहर? तो वोटर्स को यही कहना चाहूंगी इंशाल्लाह ताला आप लोग सब कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस की सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है सबको लेके चलती, तो आप बीजेपी को हराना है हमको, इसीलिए आप सब मिलके कांग्रेस का साथ दीजिए और कांग्रेस को जिता के लाइए। बहुत बहुत